हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चाल मुगरा ऑयल। चाल मुगरा ऑयल बेसिकली ये स्किन डिजीज के लिए यूज होता है, यानी एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स है। अब एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स के बेसिकली एंटी लेप्रोटिक्स जो स्किन डिजीज होता है बेसिकली उसके लिए हम लोग यूज करते हैं चाल मुगरा ऑयल। एंटी लेप्रोटिक्स बेसिकली ये लेप्रोटिक एजेंट्स है विच आर यूज्ड अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम, जो माइकोबैक्टीरियम होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी उसके लिए यूज होता है। बेसिकली ये जो बैक्टीरिया है ये काज करता है, ये लेप्रोसी डिजीज काज करता है, यानी स्किन डिजीज काज करता है, लेप्रोसी डिजीज काज करता है। उसके अगेंस्ट ये चाल मुगरा ऑयल को यूज करते हैं और बड़ा इफेक्टिव ये ड्रग है उसके लिए, उस डिजीज के लिए। द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय दीज बैक्टीरियल लाइव्स विद इन द पेशेंट बॉडी, मतलब जब इन्फेक्शन कॉज होता है, इन्फेक्शन करता है तो उसके पेशेंट के बॉडी पे जो है लाइव होता है, ये मतलब सरवाइव करता रहता है, लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करता है। और ये बहुत मतलब ठीक नहीं होता है स्किन डिजीज, जो बहुत लंबे समय तक ये बना रहता है। लेप्रोसी आल्सो, इसको हम लोग लेप्रोसी को आल्सो नोन एज हैंसन्स डिजीज भी बोलते हैं, हैंसन डिजीज, हैंसन्स डिजीज। तो बेसिकली लेप्रोसी को हम लोग एक नाम और जो दूसरा नाम बोलते हैं इसको, हैंसन डिजीज इज अ क्रोनिक इन्फेक्शन विच कॉज डिस्टर्बेंसेस, आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी, और ये काफ़ी डिस्टर्ब करता है और ये इन्फेक्शन भी होता है और ये सोसाइटी में भी फैल सकता है, ठीक है। स्किन डिजीज लेप्रोसी इज नॉट डायग्नोस्ड बाई एनी लेबोरेटरी टेस्ट। बेसिकली जो लेबोरेटरी टेस्ट के द्वारा आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता इसका, देन तो इसके लिए हम लोग बेसिकली जो लेप्रोसी के लिए हम लोग स्किन डिजीज माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी के अगेंस्ट जो भी हम लोग हर्बल ड्रग यूज करते हैं उसका नाम है चाल मुगरा ऑयल। तो चाल मुगरा ऑयल के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो चाल मुगरा ऑयल बेसिकली इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है हिडनोकार्पोसायल गाइनोकार्डिया ऑयल, दो नाम है इसका सिनोनिम का, हिडनोकार्पोसायल और गाइनोकार्डिया ऑयल। तो जो बेसिकली जो चाल मुगरा होता है, चाल मुगरा ऑयल जो होता है, चाल मुगरा ऑयल इज द फैटी ऑयल ऑब्टेन बाय कोल्ड एक्सप्रेशन। ये फैटी ऑयल्स है, यानी इसको हम लोग फिक्स्ड ऑयल भी बोलते हैं और फैटी ऑयल भी बोलते हैं। ऑब्टेन बाय कोल्ड एक्सप्रेशन फ्रॉम द फ्रेश रैप सीड, यानी फ्रेश रैप सीड से ये ऑब्टेन होता है। आप हिडनोकार्पस कुर्ची, इसके और सारी वेराइटी है, हिडनोकार्पस वेटियाना एंड हिडनोकार्पस एंट हेलमेंटिका। The Hydnocarpus is a tall tree which grew up to a height of 50 to 60 feet. वो tall plant है और 50 से 60 feet लंबा होता है, ठीक है। This tree bears brown variety, brown color का जो भी इसका होता है spherical fruit and asymmetrical and grey colored seed. तो बेसिकली जो इसका सीड होता है वो ग्रे कलर का होता है और एसिमेट्रिकल होता है, स्फेरिकल फ्रूट्स होता है इसका। इसके अलावा ड्रग का जो बायोलॉजिकल सोर्स है, बायोलॉजिकल सोर्स मैंने अभी इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया कि ये सोर्स है ड्रग का, बेसिकली चाल मुगरा ऑयल इज अ फिक्स्ड ऑयल, चाल मुगरा ऑयल इज अ फिक्स्ड ऑयल ऑब्टेन बाय कोल्ड एक्सप्रेशन मेथड। ये भी कोल्ड एक्सप्रेशन मेथड से आपको ऑब्टेन होता है फ्रॉम रैप सीड। अब रैप सीड में जो इसका जीनस है टारकेटो जेनस कुर्जी
हिडनोकार्पस एलिमेंट्रिका, हिडनोकार्पस वेटियाना, जो इसकी फैमिली है फ्लेको आर्टियेसी फैमिली है, फ्लैको आर्टियेसी, FLACOURTRIACEAE, फ्लैको आर्टियेसी इसकी फैमिली है। देन ड्रग का जो जियोग्राफिकल सोर्स है, जियोग्राफिकल सोर्स में बेसिकली चारमुग्रा आयल जो है प्लांट है, ट्री है, ये फाउंड होता है, पाया जाता है म्यांमार में, थाईलैंड में पाया जाता है, ईस्ट इंडिया इन असम में पाया जाता है, ईस्ट इंडिया साइड यानी जो ईस्ट साइड है आपका पूर्व भारत उस साइड में असम में पाया जाता है, त्रिपुरा में होता है, उसके अलावा श्रीलंका में भी आप मिलता है। Then, ड्रग का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर है, बेसिकली ड्रग का जो कलर होता है येलो टू ब्राउनिश लिक्विड येलो, ठीक है। ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक होता है टेस्ट एक्रिड, टेस्ट जो होता है एक्रिड होता है। शेप जो होता है वो सीड आर सब ओवॉइड एंड ऑब्ट्यूसली एंगुलर, लेंथ जो होता है 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। सॉल्विलिटी स्लाइटली सॉल्विल इन एल्कोहल, सॉल्विल इन क्लोरोफॉर्म, ईथर, बेंजीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देन जो इसका स्टैंडर्ड है, ड्रग का जो स्टैंडर्ड है, वेट पर एमएल जो होता है वो होता है 0.9352-0.96 ग्राम। जो ड्रग की स्पेसिफिक एसिड वैल्यू है नॉट मोर देन 10, स्पेसिफिक वैल्यू जो है, जो सोपनिफिकेशन वैल्यू 195 to 230, आयोडीन वैल्यू जो है 93 to 104। स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन 48 degree to 60 degree जो इसका रोटेशन है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.472 to 1.476 होता है। इसके अलावा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ड्रग का, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेसिकली सीड आर सब ओवॉइड ऑब्टूसली एंगुलर एंड 2 सेंटीमीटर इन लेंथ। सीड की जो शेप होती है वो 2 सेंटीमीटर लेंथ होता है, ऑब्टूसली होता है और सब ओवॉइड होता है। चारमुग्रा सीड कंटेन 40 to 45% फिक्स आयल, बेसिकली 40 to 45% फिक्स आयल कंटेन करता है। द सीड आर डीकॉर्टिकेटेड बाई मशीन, जो भी इसको हम लोग बेसिकली जो सीड होता है कर्नियल की तरह होता है, यानी हार्ड स्टोन की तरह होता है, इसको हम लोग डीकॉर्टिकेटेड यानी इसको छीलना निकालना मशीन से निकाल लेते हैं। आफ्टर ग्रेडिंग द सीड्स आर डीकॉर्टिकेटेड बाई मशीन, आफ्टर ग्रेडिंग द कर्नियल्स आर प्रेस्ड विथ हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेशर से इसको हम लोग प्रेस करते हैं। द ऑयल इज ऑप्टेन, जो ऑयल हमको मिलेगा उस ऑयल को हम लोग फिल्टर कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो भी सीड है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं, सीड को कलेक्ट करने के बाद डीकॉर्टिकेटेड करते हैं बाई मशीन, उसके बाद से उसको हम लोग हाइड्रोलिक प्रेशर से प्रेस करते हैं, प्रेशर डालते हैं, जो ऑयल ऑप्टेन होता है उसको हम लोग फिल्टर कर लेते हैं। देन जो ड्रग का केमिकल कंस्टेंट है, केमिकल कंटेंट है, बेसिकली जो चारमुग्रा ऑयल है वो कंटेन करता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है उसको बोलते हैं चारमुग्रिक एसिड, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मेन कंटेंट है
चालमुग्रिक एसिड, या ये आपके 27% के आसपास प्रेजेंट होता है आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, जो आपके स्टर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है उसके अंदर ये करीब 27% प्रेजेंट होता है चालमुग्रिक एसिड। इसके अलावा हिडनोकार्पिक एसिड होता है, हिडनोकार्पिक एसिड अप्रॉक्स हम जानते हैं 48% के आसपास प्रेजेंट होता है, एंड ग्लिसराइड ऑफ पाल्मिटिक एसिड, ग्लिसराइड ऑफ पाल्मिटिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो द ग्लिसराइल एस्टर ऑफ चालमुग्रिक एसिड एंड हिडनोकार्पिक एसिड आर आल्सो फाउंड टू बी प्रेजेंट इन दिस ऑयल। दिस एसिड आर डिफरेंट फ्रॉम अदर फैटी एसिड इन द रिस्पेक्ट दैट दे हैव 5-membered कार्बन रिंग। ये जो स्ट्रक्चर है आप देख रहे होंगे 5-membered कार्बन रिंग है बना हुआ है। साइड चैन हुज लेंथ रिड्यूस विथ रिडक्शन इन मॉलिक्यूलर वेट, दे आर आल्सो ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी, दे आल्सो कंटेन पाल्मिटिक एसिड एंड इन स्मॉल अमाउंट में ये पाल्मिटिक एसिड को भी कंटेन करता है। देन ड्रग का यूज क्या है, द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऑफ दिस ऑयल आर स्ट्रॉन्ग बैक्टेरिसाइडल प्रॉपर्टी। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो इसका इफेक्ट होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के अगेंस्ट होता है एंड माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट होता है। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियसाइडल इफेक्ट है अगेंस्ट माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री एंड माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट। द ऑयल आल्सो ट्रीट सोरासिस, सोरासिस डिजीज आपने देखा होगा कि छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, रेडनेस हो जाता है उंगलियों के पोरों में, कभी कभी हाथ में भी देखे जाते हैं, सोरासिस स्किन पे भी हो जाता है, बट ज्यादा कंडीशन में देखा कि अगर जो उंगलियों के पोर में वहां पे ज्यादातर ये हो जाता है तो ये उस केस में भी ट्रीट करते हैं। इसके अलावा रूमेटिज्म में भी काफी आपको हेल्पफुल है, रूमेटिज्म में भी काफी इफेक्ट है इसका, और बेसिकली इसको हम लोग एक बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एक्सटर्नली ही यूज करते हैं, यानी आप स्किन डिजीज है एक्सटर्नली ही अप्लाई कर सकते हैं, एक्सटर्नली ही यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये सॉफ्टनिंग का भी काम करता है, जैसे बहुत लोगों को पाइल्स हो जाता है तो पाइल्स के केस में अगर इसको इसका यूज किया जाए, चाहे क्योंकि ये फिक्स ऑयल है, फैटी ऑयल है, फैटी एसिड्स है, फिक्स ऑयल है, तो इसका अगर आपका ब्लीडिंग हो रहा है पाइल्स में, उस केस में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे सॉफ्ट आपको प्रोवाइड करेगा, सॉफ्टनिंग प्रोवाइड करेगा जिससे आपको पेन नहीं होगा। और इसका बड़ा इफेक्ट है क्योंकि ये बैक्टीरियाइडल है, अगर वहाँ पे कोई आप बैक्टीरिया इफेक्ट कर रहा है, फंगल ग्रो कर रहा है, तो वहाँ पे ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो वहाँ पे भी आप इन पाइल्स में भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जो ड्रग का स्टोरेज कंडीशन है, इट इज स्टोर्ड इन क्लोज कंटेनर अवे फ्रॉम लाइट एंड इन कूल प्लेसेस, द प्लांट सब्स्टिट्यूट इन इंडिया बाय हिडनोकार्पस वेटियाना। बेसिकली जो हिडनोकार्पस वेटियाना है ये बेसिकली इंडिया में ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, एंड द हिडनोकार्पस ऑयल इज रिप्लेस बाय इथाइल एस्टर एंड साल्ट ऑफ हिडनोकार्पिक एंड चालमुग्रिक एसिड, जो सब्स्टिट्यूट एंड एडल्ट्रेंट है इसके, जो इसका काफ़ी ह्यूज अमाउंट में इंडिया में होता भी है। तो ड्यूरिंग 1995-96 इंडिया हैज एक्सपोर्ट चालमुग्रा ऑयल ऑफ रुपीज 18 लाख, जो डोज है इसका वो सबक्यूटनियस इंजेक्शन है 0.3 to 1 ml बाय इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। तो आज हमने आपको डिस्कस किया
एंटी लेप्रोटिक ड्रग, जो एंटी लेप्रोटिक ड्रग है सल्मोग्रायल है, उसके यूज के बारे में बताया कि ये बेसिकली जो यूज होता है इसका, ये स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियसाइडल होता है अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम लेप्री एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट यूज होता है। इसके अलावा सोरेसिस में भी यूज होता है और रूमेटिज में भी यूज करते हैं और बेसिकली इसको रिकमेंड करते हैं एक्सटर्नल यूज के लिए। ओके, थैंक यू।